आइए एक सॉल एग्जाम्पल देखते हैं चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द एनक्लोज चार्ज तो ऐसा कुछ डायग्राम बन के आ रहा है इसमें हमने डी एस फैक्टर यहाँ पे ले लिया है अंदर चार्ज Q है और ये इसका एनकैप फैक्टर हो जाएगा हम अज्यूम करते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे जाती हुई दिख रही हैं नाउ लेट अस अज्यूम क्यू इज पॉजिटिव तो डी फाइव अगर हम निकालते हैं तो ई डॉट डी एस आएगा अब हम जानते हैं कि E वेक्टर और N वेक्टर पैरल हैं क्योंकि रेडियली आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक क्लोज सरफेस के लिए हम पढ़ चुके हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वही होता है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इस केस में सिंस सिंसेक्स स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तो आउटवर्ड नॉर्मल इज सेम एज रेडियली आउटवर्ड तो फिर हमारे पास आ गया ई वैक्टर पैरल टू तो एन वैक्टर मतलब कि इनके बीच में थीटा बराबर जीरो डिग्री हो गया तो फाई का इंटीग्रल मैं करूँगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो क्योंकि ई डॉट डी एस निकाल रहे थे कॉस जीरो वन होता है तो सिंपली फाई की वैल्यू आ गई ई जो कि कांस्टेंट वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है इंटीग्रल ds मतलब कि ई इंटू एरिया करेंगे सिंपली हम तो e की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है स्पीयर का रेडियस कैपिटल R है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बायर स्क्वायर होगी इंटू डी एस का इंटीग्रल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया जो कि स्फीयर के लिए होता है फोर बाय आर स्क्वायर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइव की वैल्यू आती है फोर पाई के क्यू या फिर क्यू बाय एपसाइल एंड नॉट तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है एक अगर चार्ज एनक्लोज है रेडियस आर के स्फीयर में या फिर किसी भी क्लोज सर्विस में तो उसके टोटल फ्लक्स की वैल्यू बाय सेलन नॉट आती है